हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? जैसे आप देख सकते हैं, आज हमारे पास HTC का एक हैंडसेट आया है जिसमें डिस्प्ले देख सकते हैं पूरा ब्लर ब्लर आ रहा है, जैसे कि कलरिंग्स ग्राफिक सही नहीं से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसमें डुअल डेकर CPU होता है 8996 और साथ में इसके ऊपर आता है रैम। CPU और रैम दोनों को आपको रिमूव करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, CPU और रैम हमने दोनों को रिमूव कर लिया है। ये डबल डेकर CPU होता है। तो सबसे पहले PCB को क्लीन करेंगे अच्छे से, क्योंकि PCB जब गर्म होता है उसी टाइम पे आपको क्लीनिंग कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार हमने इसमें आयरन से क्लीन कर लिया। अभी हम यहाँ पर जो ग्लू है, ब्लैक पेस्टेड हार्ड ग्लू होता है, ग्लू को रिमूव कर रहे हैं CPU के ऊपर से, क्योंकि अगर एक भी बॉल पर अगर ये ग्लू रह जाता है तो आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। हर बार की तरह मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि क्लीनिंग पे ध्यान रखें, अच्छे से क्लीन करिए, साफ़ अच्छे से करिए। देख सकते हैं यहाँ पर फ्लक्स मैंने डाल लिया है, और एक बार हम डी सोल्डर करेंगे इसको। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो रहा है हमारा PCB। और आराम से करिए, अच्छे से करिए, ध्यान से करिए, आसपास कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, और बोर्ड में या IC में दोनों बॉल्स आपस में मिलने नहीं चाहिए, मतलब बोर्ड या IC डैमेज नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्लॉथ से भी यहाँ पे साफ़ कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ा सा ग्लू और नज़र आ रहा है, तो ये रबर ग्लू होता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये एक हैंड स्किल का काम होता है, अगर आपको सीखना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है। यह रैम है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं, रैम को भी हमको क्लीन करके रिबॉल करना है। तो सबसे पहले CPU वाला साइड क्लीन कर लेते हैं, IC में फिक्स कर लेंगे। CPU के ऊपर कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं, ये निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ख़राब हो जाए और ये CPU में लगे रहेंगे तो आपका हैंडसेट रिस्टार्ट या फिर लोगों पर रुक सकता है। तो ऑलवेज़ मैं इसको निकाल देता हूँ, अगर लगे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टेंसिल में इजीली ये IC रिवॉल्व हो जाता है। बहुत पुराना CPU है, बहुत पुराना हैंडसेट है फ्रेंड। HTC कंपनी भी शायद अभी इंडिया के अंदर कुछ भी मोबाइल लॉन्च नहीं कर रही है, बंद हो चुकी है। बट फ्रेंड्स, हम तो टेक्नीशियन हैं, हमको जो भी काम आता है हमको हमारे हिसाब से तो करना ही है। कस्टमर को तो हमको करके देना ही है, चाहे कितना पुराना कंपनी हो या फिर कंपनी बंद भी हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये डुअल डेकर पे सिर्फ हीट मारने से सेट ऑन तो हो जाता है, बट प्रॉपर चलेगा नहीं। और इसमें तो ग्राफिक का भी इश्यू आ चुका था, जैसे कि आपने देखा। तो अदर टेक्नीशियनों ने यही काम किया, हीट मारा, उसको ऑन तो कर दिया, बट ग्राफिक और लाइट नहीं ला पाए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें CPU और RAM दोनों को निकाल के क्लीन करना होता है। ब्लैक पेस्टेड होता है इसके अंदर, तो उनका हैंड स्किल उतना अच्छा होता नहीं है, या फिर एडवांस चिप लेवल पे नॉलेज नहीं होगी तो वो काम नहीं करेंगे टेक्नीशियन भाई। हमारा 20 सितंबर यानी आज से ऑनलाइन का क्लास स्टार्ट होने वाला है। फॉल्ट फाइंडिंग, स्केमेटिक, शॉर्टिंग, लीकेज, डेड, DSO, नेटवर्क, ऑडियो सेक्शन, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, सारा कुछ फॉल्ट फाइंडिंग बताने वाला हूँ मैं। और लाइट IC, काफ़ी कुछ लाइट IC यहाँ आते हैं, तो कैसे सप्लायर चेक करना है, इनपुट आउटपुट GR वैल्यू वोल्टेज कहाँ चेक करना है। यहाँ पे CPU क्लीन हो चुका है, ये देख सकते हैं। रैम को भी साफ़ करके रिवॉल्व करके रख लेते हैं और CPU डालेंगे। यहाँ पे CPU रिवॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे आपने देखा, पहले हमने क्लीन कर लिया था इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं CPU पहले रिबॉल कर लेंगे, अच्छे से रिबॉल करना है आपको, कोई भी एक भी बॉल यहाँ पे छूटना नहीं है। रैम भी रिबॉल कर लेते हैं, देख सकते हैं रैम भी और CPU दोनों हमने रिबॉल कर लिया अच्छी तरह से। क्लीनिंग और साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है ताकि आपका टाइम ना जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले CPU हम इसमें माउंट करेंगे, उसके बाद फिर UFS इसका जो रैम है उसको लगाएंगे। तो CPU लगा लेके चेक करेंगे, फिर रैम भी लगा देंगे। तो CPU लग चुका है हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं रैम भी बिठा लेंगे। नोस्कट पॉइंट देख के लगाना है आपको, कहीं पे भी मत लगाइए, अदरवाइज़ मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा आपका। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे पीसीबी में फिट कर लेते हैं, पीसीबी को फोल्डर में फिट कर लेते हैं। चलिए बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर मैंने लगा लिया यहाँ पर, और चार्जर लगाएंगे और चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, चार्जिंग का लोगो आ चुका है हमारा। तो अभी इसमें चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल ना के बराबर चार्जिंग था इसमें। हो सकता है 0 और 1% हो इसमें, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि चार्जिंग ना होगी तो नहीं खुलेगा। ये देख सकते हैं 1% यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा सा चार्ज होने देना है इसको, उसके बाद ऑन करेंगे तो ये खुलेगा, अदरवाइज़ 1-2% में वापस से रिस्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा हैंडसेट पूरी तरीके से ऑन होता है कि नहीं होता है। तो HTC फर्स्ट लोगो आ चुका है। यहाँ पे आपका बैटरी बहुत कंज्यूम करेगा, तो देख सकते हैं 1% चार्ज पे मोबाइल हमारा ऑन नहीं हुआ, वापस से चार्जिंग लोगो आ चुका है। थोड़ा सा चार्ज होने देते हैं और ऑन करके चेक कर लेते हैं हमारा हैंडसेट पूरी तरीके से ऑन होता है कि नहीं होता है। तो प्रॉपर अगर वे में आप काम करेंगे तो 100% सक्सेस होगा आपका काम। तो यहाँ पे चार्ज हो रहा है अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ज होने देते हैं ताकि हमारा हैंडसेट पूरी तरीके से ऑन हो जाए। चलिए इस बार ऑन करते हैं, इतने में तो हो जाना चाहिए क्योंकि अभी 2% होने ही वाला था। तो चेक कर लेते हैं, चलिए HTC फर्स्ट लोगो आ चुका है। अपना काम जो है पेशेंस और हैंड स्किल का काम है, आराम से करिएगा, धीरे से करिएगा, 100% होगा। तो हैंड स्किल का काम आपको सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं मोबीकेयर सॉल्यूशंस हैदराबाद टीम, या फिर ऑनलाइन मेरा क्लास है फॉल्ट फाइंडिंग सर्किट डायग्राम स्कीमेटिक, 6 मंथ वीडियो कोर्स दे रहा हूँ मैं, और लाइव मेरे 10 क्लासेस भी मिलेंगे आपको रात 9:30 से 11:30। देख सकते हैं HTC के बाद सेकेंड लोगो आ चुका है इसका, और अभी ये पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा सेट। डीप लेवल नॉलेज अगर आपको चाहिए सर्किट का तो रात में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ 9:30 से 11:30। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास है, बहुत कम फीस रखी गई है। अपने आप को अपडेट करिए, अच्छे से काम करिए। देख सकते हैं हैंडसेट पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। इसमें फ्लैशिंग वगैरह भी की गई है क्योंकि रैम का इशू था, डिस्प्ले का इशू समझ के उन्होंने सॉफ्टवेयर भी किया। तो FRP वगैरह डाल लेंगे, जीमेल डाल लेंगे तो ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।